तो अभी खाने का टाइम हुआ है, अभी बज रहे क्या बज रहे हैं 1:30, मतलब 1:30 बज रहा है ऑलमोस्ट। तो अभी हम लोग आए पाटिल खाना वाले में, जो कि अलीबाग में काफ़ी फेमस है फॉर फिश। अभी ऑर्डर कर दिया गया है एक सुरमई, देखते हैं यहाँ का सुरमई कैसा है। देवगढ़ इज बेस्ट बट यहाँ का देखना पड़ेगा, देवगढ़ इज ऑलवेज बेस्ट। यस, तो देखते हैं अभी खाना आएगा तभी दिखाता हूँ आपको। सो ये है चिकन फ्राई थाली और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सुरमई फ्राई। काफ़ी भूख लग रहा है, सो अभी खाना खाने के बाद आपको मिलता हूँ। तो अभी भी टाइम हो चुका है 5:05 और हमारी नींद, हाँ क्या नींद आई थी। सुबह जो कम नींद हुई थी वो आज पूरी हो गई है। सो अभी रिलैक्सेशन का कोटा कंप्लीट हो गया है और बॉडी को जितना रेस्ट चाहिए था उतना भी हो गया है। सो अभी अपना टारगेट है सनसेट देखने का और अभी बज रहे 5। हम लोग ने मंदार ने सनसेट का टाइम देख लिया है, सो वो है 6:45। तो हम लोग को उसके जस्ट आधा घंटा एटलीस्ट बफर मार्जिन रख के जाना है। तो यहाँ से जस्ट कुछ ही कदम पर है मुरुड़ बीच, तो वहाँ पे आज सनसेट देखने का प्लान है और जाएंगे हम लोग और देखेंगे सनसेट। जस्ट हम लोग का ये है ड्रोन शॉट्स लेके हो गया है, बाइक का भी बी रोल्स वगैरह ले लिए था हम लोग ने। तो आज लकीली मंदार है तो मंदार को ड्रोन चलाना आता है, अदरवाइज़ कैसा होता था कि मेरे ग्रुप में, मतलब मैं था जब गुजरात की राइड में हम लोग गए थे तो मुझे ही ड्रोन फ्लाई करने आता था, तो मेरा बी रोल्स या फिर जो भी वीडियोज है तो वो कोई ले नहीं पाता था। तो आज लकीली मंदार था सो वो शॉट्स ले पाए हम लोग और काफ़ी अच्छा सनसेट मिला यहाँ पे और प्रॉपरली देखने मिला और ख़तरनाक मज़ा आ रहा है। आज का दिन एकदम सुकून से गया, मतलब इतना रिलैक्सेशन में कोई भी ट्रिप में ही नहीं किया था। अदरवाइज़ नॉर्मली कैसा होता है कि हम लोग एक्सप्लोर करने के नाद में मतलब बॉडी को पूरा एग्जॉस्ट कर देते हैं, तो आज वैसा नहीं हुआ था। आज काफ़ी सारा टाइम मिला हम लोग को रेस्ट करने मिला और प्रॉपरली मतलब बॉडी को रेस्ट मिला, तो उसकी वजह से ये ट्रिप एकदम धमाल है। और कल का प्लान है कि मुरुड जंजीरा जो कि यहाँ से इसके पीछे है तो वो देखना है। सुबह 9 कुछ ओपन होता है, वो स्टार्ट होता है ऐसा बोल रहे हैं, देखते हैं। अभी फेरी का तो हम लोग ने इंक्वायरी किया था तो सुबह बोल रहे हैं कि 9 से स्टार्ट होने वाला है, सो लेट्स सी। अगर कल देखने मिलता है तो वी गाइज आर लक्की, अदरवाइज लास्ट टाइम जैसा ओपन नहीं होना चाहिए हम लोग का। देखते हैं, अभी रूम पर जाते हैं हम लोग और फिर बाद में अपना जो भी दिनचर्या है वो उसको ब्लॉग को ख़त्म करते हैं प्रॉपरली। तो हमारे साथ अभी पीछे चिंतामणि है, तो चिंतामणि कैसा लगा? इसने आज हॉर्स राइडिंग किया, देखा ही रहेगा ऑलरेडी फुटेज इसमें। तो ये कहाँ से सीखा चिंतामणि? मैंने वो, मैं जिधर था एक पहले सैनिक स्कूल में, ओके, उधर से सीखा वो कैसा है। उधर ट्रेनिंग देते थे हमको, ओके, हॉर्स चलाने के।
इधर से पूरा उसका लैंग्वेज सीख लिया क्या तरीका अभी आजमाया मैंने. सो बेसिकली मतलब उसका भी एक लैंग्वेजेस रहता है या फिर टेक्निक्स रहता है, वो करके आप भी सीख सकते हो. तो काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट मतलब जितना बाइक मैं भगाता नहीं हूँ उससे भी ज़्यादा ये घोड़ा दौड़ा रहा था. और एक टाइम पे हम लोग को लग रहा था कि अभी डायरेक्टली मुंबई चला जाएगा. ये काफ़ी मज़ा आया. अभी यहाँ से निकलते हैं, पैकअप वगैरह तो हो गया है, ड्रोन को बस पैकअप करना है और निकलते हैं. ये पूरा मुरुड का बीच है, बेटर आप लोगों ने ड्रोन शॉट्स में देखा रहेगा इसको. और वो पीछे जो है दैट इज़ पद्मा दुर्गा. तो गाइस अभी आ चुका है ब्लॉग को एंड करने का समय और अभी बज रहे हैं 12 ना, ये उल्टा दिख रहा है क्या? ओके मैं बता देता हूँ. सो अभी बज रहे हैं 12:30 ऑलमोस्ट, रात के 12:30 बज रहे हैं. तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आई होप आप सभी लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा. और अगर अच्छा लगा रहेगा तो डेफिनेटली लाइक करो, मुझे तो बहुत नींद आ रहा है. तो मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में. कल मुरुड जंजीरा फोर्ट जाने का प्लान है. कल सुबह जल्दी भी उठना है, अभी मेरे को वो सब डेटा भी ट्रांसफ़र करना है. नींद तो आ रहा है काफ़ी बट काम भी करना है. तो डायरेक्टली आपको अभी कल के ब्लॉग में मिलूँगा. और कल जा रहे हैं अपन मुरुड जंजीरा, सो अगला ब्लॉग देखना मत भूलिएगा. आज का ये जो एपिसोड था वो इतना ही रखते हैं, बिकॉज अननेसेसरीली ज़्यादा बढ़ाऊँगा तो देखने के लिए मज़ा भी नहीं आएगा. तो इस व्लॉग का यही तक रखते हैं और मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में. तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. Take you there.